नमस्कार दोस्तों, आज हम लेने पहुंचे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी है हमको। काफ़ी सारे शोरूम ट्राई करने के बाद में युग बाइक की ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, स्कूटी है, ये मुझे पसंद आई है। बाकी की जो भी और दूसरे ब्रांड थे उनकी थोड़ी बॉडी हल्की थी, तो मुझे इसकी थोड़ी बॉडी स्ट्रांग लगी। फीचर्स लगभग सब में सेम है। इसका सर्विस सेंटर जयपुर में ही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा लेना उचित समझा। देखिए दोस्तों, इसमें सब में फीचर्स तो सेम आते हैं, इसके साथ में कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें चुना है, उसके अंदर 12 वोल्ट की 5 बैटरी लगेगी और ये 60 वोल्ट बनेगा टोटल, और इस वजह से इसका टॉर्क थोड़ा अच्छा रहेगा। 4 वोल्ट की बैटरी भी मिल रही थी साथ में लगाने पर, लेकिन वो इतनी ताकत उसमें नहीं रहती। उसी हिसाब से उसमें कंट्रोल भी लगा हुआ है और चार्जर भी इसका साथ में आया है। मेरा रनिंग कुछ ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मैंने लेड एसिड बैटरी लगवाई है। इसकी 1 साल की गारंटी है। जो लिथियम बैटरी थी उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा था और उसकी गारंटी भी 3 साल थी, लेकिन मेरे हिसाब से सफिशियंट मेरे लिए यही था, क्योंकि मेरा कहीं पे ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, 5-10 किलोमीटर की बात होती है डेली की। लेकिन दोस्तों, मैंने व्हाइट कलर की स्कूटी चूज़ की है। दोस्तों, ये चार्ज होने पर 60-65 किलोमीटर मुझे एवरेज देगी और इसको चार्ज होने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके जो बेसिक फीचर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे अच्छा फीचर्स है कि जैसे आप इसको दबा के रखें ग्रीन बटन को और रेस देंगे, तो ये बाइक पीछे की तरफ जाएगी स्कूटी। और इसमें लाइट्स वगैरह है, पार्किंग का भी स्कैनर बटन दिया हुआ है, हेडलाइट है, ऊपर नीचे करने के लिए हॉर्न है। देखिए दोस्तों, अब हम इसको चला के देखते हैं कितनी स्पीड पकड़ती है, क्योंकि हम अब 2 जने बैठे हुए हैं पीछे और ये 40-45 की स्पीड आराम से पकड़ लेगी, वो काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि ज़्यादा 40 से ऊपर यहाँ पे अलाउ भी नहीं है, हाईवे पे भी अलाउ नहीं है, मेन रोड पे नहीं ले जा सकते। अगर यही स्कूटी अगर मैं लिथियम में लेता, थोड़ी प्राइस बढ़ जाती और इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती। लिथियम में 3 साल की गारंटी मिलती मुझे। देखिए दोस्तों, पीछे MCB वहाँ से ऑन कर दिया है और यहाँ से जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर बेसिक फीचर्स है। आपकी स्पीडोमीटर दिखाएगा, आपकी जो ये 1, 2, 3 गियर है वो दिखाएगा। तीसरे गियर पे आपकी आराम से 40 से ऊपर 45 से ऊपर आपकी स्पीड पकड़ लेगी सिंगल पर्सन में, और डबल पर्सन में कम से कम 45 तो आपकी एवरेज देगी, मतलब स्पीड देगी ही देगी। दोस्तों, ये हमने स्कूटी चालू कर दी है और ये युग बाइक के नाम से ये ब्रांड इसका निकला है, और काफ़ी अच्छी स्कूटी लगी बाकी स्कूटियों से मुझे, काफ़ी प्राइस भी रिजनेबल है। देखिए दोस्तों, 13-14-15 तक ये पहुँच चुकी है ईजिली, और थोड़ी देर में 45 तक भी आ जाएगी। अब मैं देखिए, देखो दोस्तों, इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये 39-40 तक भी आराम से पहुँच रही है, जबकि हम पीछे 2 जने बैठे हुए हैं। अगर सिंगल पर्सन में तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देती है, बहुत जल्दी 45 ये पर आ जाती है। इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी कि सर्विस सेंटर है वो जयपुर के अंदर ही है, जहाँ से मैं आसानी से इसको सर्विस करा सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिपेयर भी करा सकता हूँ। दोस्तों, अब इसके जो USB चार्जर है उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। जो USB चार्जर है काफ़ी अच्छा है, आप देखिए दोस्तों, ये जैसे आप इसको हटाएंगे, अपना USB कनेक्ट करिए, अपने मोबाइल को इससे अटैच करके चार्ज भी कर सकते हैं, और मोबाइल को रखने के लिए आपको एडिशनल किसी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पास में रखा हुआ एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं, और इसमें आप नेविगेशन के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। और आपको इसमें क्या है कि जैसे आप धूप वगैरह में आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें आपको इजीली दिखाई देती देगी, जो एक छोटे से बॉक्स में रखा रहेगा, और आप ये सिक्योर भी रहेगा इससे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।